इंदौर शहर में फैल रहे कोरोना संक्रमण को देखते हुए नगर निगम भी अब अपने कर्मचारी और अधिकारियों को कोरोना से बचाने के लिए अतिरिक्त सतर्कता बरत रहा है। इसके तहत नगर निगम मुख्यालय में अब आने और जाने वाली सभी फाइलों को सैनिटाइज किया जाएगा। इसके लिए मुख्यालय में एक बड़ा अल्ट्रा वॉयलेट C1 लगाया गया है। इसमें सभी फाइलों को सैनिटाइज करने के बाद ही अधिकारियों को भेजने के निर्देश दिए हैं। नगर निगम के अपर आयुक्त एस कृष्ण चैतन्य ने बताया कि निगम की फाइलें कई विभागों से होती हुई मुख्यालय तक पहुंचती है, इसलिए इनमें भी संक्रमण फैलने की आशंका बनी रहती है, जिसके चलते सभी फाइलों को सैनिटाइज करने के बाद ही मुख्यालय में अधिकारियों को देने के निर्देश दिए गए हैं। कोरोना काल में निगम के द्वारा अपने सब्जियों के लिए और अन्य चीजों को सैनिटाइज करने के लिए कुछ मशीनें जो ली गई थी, तो उसी का उपयोग करते हुए आज के डेट में हम लोग जो अपने फाइल्स आते हैं, तो फाइल्स को अंदर आने के टाइम में और फिर पूरी यहाँ पे क्लियर होकर बाहर जाने के टाइम में दोनों टाइम में सैनिटाइज कर रहे हैं, जिसकी बदौलत जो है लोगों में जो है वो कॉन्फिडेंस जो होनी चाहिए अपने कर्मचारी में, वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग जो होती है वो भी हो रही है। लगभग कितनी पर डे फाइलें अभी, क्योंकि हम लोगों का जो विभाग में लगभग 60 से 70 फाइल पर डे आते हैं, तो उतने फाइल जो है हम लोग पूरी तरह अंदर आते वक्त भी सैनिटाइज करवाते हैं और बाहर जाते वक्त भी वो सैनिटाइज होकर। ये क्या फाइलों के लिए भी लिया गया है पूरा? देखिए, आज के डेट में स्टोर के द्वारा ये लिया हुआ था और उसके हिसाब से वो स्टोर ने उसका उपयोग करने के बाद अभी आज के डेट में अभी हम लोग फाइल्स को सैनिटाइज करने के लिए उसका उपयोग किया। क्या पूरे विभागों के द्वारा सैनिटाइज किया? सभी विभाग अपना यहाँ पे सैनिटाइज करने के लिए दिया हुआ है, तो लगभग सभी विभाग इसका उपयोग करना स्टार्ट भी कर लिया है।